शाहरुख खान 15 साल के थे जब पिता ताज मोहम्मद का इंतकाल हो गया था। उन्हें कैंसर था, परिवार पर आफत आ पड़ी और यहां से शुरू हुआ रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का संघर्ष। शाहरुख खान को अगर किसी को जानना हो तो वह पहले पाकिस्तान के पेशावर को जाने, जहां से उनके पिता पैदल दिल्ली आए थे और अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए लड़े थे। शाहरुख खान के दादा सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में मेजर थे। शाहरुख खान की कहानी में पेशावर है, दिल्ली है और माया नगरी मुंबई, और इसके अलावा दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार स्विट्जरलैंड भी। 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख के पिता और उनकी मां के मिलने का किस्सा भी बड़ा फिल्मी है। दरअसल ताज मोहम्मद इंडिया गेट पर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तभी एक कार आई और डिवाइडर से टकरा गई। फातिमा बेहोश पड़ी थी। ताज आगे आए और दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को अस्पताल ले गए। खून बहुत ज्यादा बह चुका था, उन्होंने खून भी दिया। लड़की की सगाई मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी। यह लड़की थी लतीफ फातिमा खान। एक्सीडेंट के बाद याददाश्त आ चुकी थी। ताज फातिमा को कॉलेज छोड़ने जाते और उनका पूरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे उन्हें फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा के पिता से शादी के लिए बात की तो उन्होंने कहा, मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो। ताज ने कहा, मैं शादी फातिमा से ही करूंगा। ताज मोहम्मद के प्यार के आगे परिवार को हार माननी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता ने मेवात से आम चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। राजनीति से उनका मन भर गया। गांधी नेहरू परिवार से ताज मोहम्मद की नजदीकी थी, लेकिन वह बड़े स्वाभिमानी आदमी थे। घर चलाने के लिए ताज मोहम्मद ने दिल्ली के रशियन कल्चर के सामने चाय की दुकान खोली। दुकान चल गई और फिर ताज मोहम्मद ने छोले भटूरे बनाना भी शुरू कर दिया। शाहरुख खान तब 8 साल के थे और वह कभी कभी दुकान पर जाते थे। ताज मोहम्मद ने एनएसडी में कैंटीन भी चलाई। इस बीच मां फातिमा एक समाज सेवी संगठन में सोशल मजिस्ट्रेट की नौकरी करने लगी। शाहरुख की 9 फिल्मों में उनके किरदार का नाम राहुल है। अब तक 6 फिल्मों में शाहरुख खान ने विलेन की भूमिका निभाई है। उनके करियर में 16 फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनका किरदार मर जाता है। बॉलीवुड के सरताज बन चुके SRK की हिंदी बहुत कमजोर थी। मां ने एक बार कहा था कि हिंदी में अच्छे नंबर लाओगे तो वह भी दिखाऊंगी। शाहरुख को उस साल सबसे ज्यादा नंबर हिंदी में आए। लोग इस बात पर यकीन न करें, लेकिन यह सच है कि शाहरुख खान को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। बॉलीवुड के बादशाह को घुड़सवारी का फोबिया है। 1994 में शाहरुख की फिल्म कभी हां कभी ना रिलीज हुई थी। फिल्म के रिलीज के दिन शाहरुख ने एक थिएटर काउंटर पर बैठकर टिकट बेचा था। इस फिल्म के लिए उन्हें 25,000 दिए गए थे। शाहरुख खान घोर अंधविश्वासी भी हैं। उनके गाड़ियों का नंबर अक्सर 555 होता है। वह मानते हैं कि अंकों का सही सहयोग आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। सोने से पहले शाहरुख आयरन किया हुआ पैजामा ही पहनते हैं। इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, क्या पता दोस्त सपने में किससे मुलाकात हो जाए। 1980 में पिता की कैंसर से मौत हो गई और 26 से भी कम उम्र में शाहरुख खान की मां फातिमा भी चल बसी। शाहरुख खान की मां का यह मानना था कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। वह बात सच भी साबित हुई, लेकिन शाहरुख की शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले ही वह इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। शाहरुख खान की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से हुई। शाहरुख के स्कूल के दिनों से ही हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में काफी दिलचस्पी रखते थे। शाहरुख को करीब से जानने वाले कहते हैं कि शाहरुख बचपन में बहुत तेज भागते थे, इसलिए उनके दोस्त उन्हें मेल एक्सप्रेस कहकर बुलाते थे। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया है। शाहरुख खान ने जामिया से मास कम्युनिकेशन में PG के लिए दाखिला भी लिया था, लेकिन अपनी एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और बैरी जॉन से एक्टिंग सीखने लगे, जहां उनके दोस्त थे मनोज बाजपेयी। लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक बार शाहरुख खान को दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार कहा था। 2014 में एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर थे। विदेशों में शाहरुख खान की दीवानगी ऐसी है कि कहा जाता है कि वह जब भी बर्लिन में होते हैं तो वहां का ट्रैफिक थम सा जाता है। शाहरुख खान ने गौरी से शादी की है। अपने पिता की तरह इन दोनों की लव स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। गौरी पारंपरिक हिंदू पंजाबी परिवार से आती है। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। शाहरुख अक्सर गौरी को गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा गाना गाकर चिढ़ाते थे। 13 साल तक शाहरुख ने गौरी को प्यार की बातें बताई और एक दिन अचानक शाहरुख ने कहा, गौरी मैं तुमसे ही शादी करूंगा।
दोनों के रिश्तों के बारे में जब गौरी के परिवार को पता चला तो गौरी का घर से निकलना कम हो गया, लेकिन शाहरुख खान लगे रहे अपने प्यार को पाने के लिए। शाहरुख गौरी के भतीजों को थिएटर ले जाते, डिस्को ले जाते। इस तरह से गौरी के परिवार वालों को उन्होंने अपने पाले में खींच लिया। शाहरुख को गौरी का दूसरे लड़कों से मिलना पसंद नहीं था। वह गौरी को कहते थे, मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरे साथ बैठो, लेकिन दूसरों के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता। शाहरुख गौरी के बाल खुले होने पर भी नाराज हो जाते थे, क्योंकि वह मानते थे कि खुले बालों में गौरी बेहद खूबसूरत लगती है और मैं नहीं चाहता कि उसकी इस खूबसूरती को कोई और देखे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शाहरुख पहली बार गौरी के लिए ही मुंबई आए थे। गौरी किसी रिश्तेदार के यहां मुंबई आई थी। शाहरुख को पता था कि गौरी को समंदर देखना पसंद है, इसलिए वह हर शाम गौरी को मुंबई के बीचों पर ढूंढते और एक दिन गौरी बीच पर मिल गए। शाहरुख को देखकर गौरी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई। टीवी से शुरुआत करने वाले शाहरुख ने दिल दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल्स के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। लेकिन जैसा कि उनकी मां कहा करती थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और बन गए रोमांस के किंग। शाहरुख खान पहली बार दीवाना में बड़े पर्दे पर दिखे थे। दीवाना में दिव्या भारती और ऋषि कपूर थे, लेकिन शाहरुख खान सबकी नजरों में आ चुके थे। शाहरुख के फिल्मी करियर को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि डर और बाजीगर उनके करियर की शुरुआती फिल्म थी।